प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि जब क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होते हैं तो एरर्स कैसे प्रोपेगेट होते हैं। मैं आपको बता दूं कि जब क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होते हैं तो रिलेटिव एरर्स ऐड हो जाते हैं, परसेंटेज एरर्स भी ऐड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि परसेंटेज एरर क्या होती है? रिलेटिव एरर एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, या फिर रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड विद 100 इज परसेंटेज एरर। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। When quantities are multiplied, let x is equal to a into b. A और b physical quantities हैं और x इनका product है। Let A, delta A is the absolute error in the measurement of A. Absolute error क्या होते हैं? Difference between measured value and true value of the physical quantity. चलिए आगे assume करते हैं, delta B absolute error in the measurement of B. Delta x को assume कर लेते हैं, absolute error in the calculation of x. अब इसको एरर्स के साथ लिखते हैं। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले ए को बी से, ए बी, अब ए को डेल्टा बी से, ए डेल्टा बी, अब डेल्टा ए को बी से, और अब डेल्टा ए को डेल्टा बी से। प्लस और प्लस मल्टीप्लाई हुए तो प्लस, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हुए तो भी प्लस, प्लस डेल्टा ए डेल्टा बी। ए बी की जगह एक्स लिख लेते हैं, अब ये जो क्वांटिटी है डेल्टा ए और डेल्टा बी स्मॉल है, इनका जो प्रोडक्ट है वो उससे भी ज्यादा स्मॉल है, इतना स्मॉल कि प्रोडक्ट कैन बी निगलेक्टेड। आइए समझ लेते हैं, 1/100 स्मॉल है, 1/200 भी स्मॉल है, और इनका प्रोडक्ट इज मच स्मॉलर, हेंस कैन बी निगलेक्टेड। इसको नहीं लिखना है, ये तो समझने के लिए है। लिखना क्या है, यहां लिखें साइड में, डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर स्मॉल, देयरफॉर देयर प्रोडक्ट इज मच स्मॉलर, देयरफॉर द प्रोडक्ट डेल्टा ए डेल्टा बी कैन बी निगलेक्टेड, और इसलिए अब यहां इसको नहीं लिखना है। ये एक्स इधर आके एक्स माइनस एक्स जीरो हमारे पास रह गया,
ये रह गया। डिवाइडिंग बाय एक्स इज इक्वल टू ए इंटू बी, इसको एक्स से डिवाइड कर लेते हैं और इस साइड को ए बी से डिवाइड कर लेते हैं। प्लस माइनस ए डेल्टा बी ओवर ए बी, प्लस माइनस बी डेल्टा ए ओवर ए बी। यहां से अब ये ए कट जाएगा, इधर से बी हल्का सा काट दें, दिखता भी रहे। इसको पहले लिख लें, वैसे कोई जरूरी भी नहीं है, तो ये आ गया। अब जो है देर आर फोर पॉसिबिलिटीज, फोर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ किसकी, डेल्टा एक्स ओवर एक्स की आर कौन कौन सी है। फोर पॉसिबल वैल्यूज कौन कौन सी है, प्लस डेल्टा ए ओवर ए, प्लस डेल्टा बी ओवर बी, यानी कि जब डेल्टा ए और डेल्टा बी दोनों पॉजिटिव। दूसरी पॉसिबिलिटी डेल्टा ए पॉजिटिव डेल्टा बी नेगेटिव। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, डेल्टा ए नेगेटिव और डेल्टा बी पॉजिटिव। और चौथी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, दोनों ही नेगेटिव। ये फोर पॉसिबिलिटीज हैं। ये जो एरर है ये पॉजिटिव की तरफ मैक्सिमम, और ये वाली जो एरर है ये नेगेटिव की तरफ मैक्सिमम। तो हम लिख सकते हैं मैक्सिमम रिलेटिव एरर, मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन एक्स is given by क्या हो जाएगी, delta x over x is equal to plus minus ये आ जाएगा। अब delta x over x क्या है, relative error in x। relative error क्या होती है, रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। तो डेल्टा एक्स ओवर एक्स को क्या लिखें, रिलेटिव एरर इन एक्स। डेल्टा ए ओवर ए को क्या लिखें, रिलेटिव एरर इन ए। डेल्टा बी ओवर बी को क्या लिखें, रिलेटिव एरर इन बी। तो यहां से हमने सीखा कि जो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होते हैं तो रिलेटिव एरर्स ऐड हो जाते हैं। चलिए परसेंटेज एरर की बात करते हैं, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। राइट, तो ये आ गया हमारे पास।
चीज है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर इन एक्स इक्वल टू हो गया परसेंटेज एरर इन ए, ये हो गया, और प्लस परसेंटेज एरर इन बी, यानी कि जब क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होते हैं तो परसेंटेज एरर्स भी ऐड हो जाती हैं। बच्चों एग्जाम में आमतौर पर पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आपने क्या करना है, आपके बुक में जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करिए। थैंक यू।